मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज का जो वीडियो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। द्विवेदी युग बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथियों देखिएगा, पहले हमने दो राइटर पढ़ लिए हैं। मैथिलीशरण गुप्त हमने पढ़ लिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हमने पढ़ लिया है। हम लोग यहाँ पर तीसरे राइटर की ओर चल रहे हैं। द्विवेदी युग में देखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्योत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा इनका जन्म भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इनका जन्म हुआ था, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म हुआ 1865 में इनका जन्म हुआ है, और इनकी मृत्यु हुई है 1947 में। मित्रों आपको याद होना चाहिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 में हुआ है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? निजामाबाद, और जिला था आजमगढ़। ठीक है, इनके प्रमुख उपन्यास, उपन्यास में से इनका एक प्रश्न जरूर आता है साथियों, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इनके जो उपन्यास है, सबसे मेन जो उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाट, जो 1899 ईस्वी में लिखा था, इन्हों के द्वारा प्रकाशित हुआ था। और दूसरा है अद खिले फूल 1907 में, और वेनिस का बांका जो है इनका तीसरा उपन्यास, जो अनुदित है साथियों। तो सबसे मेन उपन्यास जो है हरिऔध का, ठेठ हिंदी का ठाट, और अद खिले फूल, और वेनिस का बांका, ये उपन्यास इनके बहुत इंपोर्टेंट रहे हैं। तो ये आपको इनकी याद ही रखनी पड़ेगी साथियों, तीनों उपन्यास। आगे बात करते हैं साथियों, कृष्ण चरित संबंधी जो रचनाएं हरिऔध जी के द्वारा जो लिखी गई कौन कौन सी रही हैं। एक तो है कृष्ण शतक जो 1882 में, और एक प्रद्युमन विजय इनका नाटक है जो 1893 ईस्वी में रहा, और एक है रुक्मणी परिणय नाटक है जो 1894 ईस्वी में रहा है। मित्रों ये तीनों के तीनों जो रचनाएं लिखी है वो कृष्ण चरित संबंधी रचनाएं हैं, हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई है। एक तो है कृष्ण शतक है, एक प्रद्युमन विजय जो नाटक है, और रुक्मणी परिणय इनका नाटक रहा है। साथियों अगली बात करेंगे यहाँ पर, जो हरिऔध जी की जो श्रृंगारिक रचनाएं रही हैं, अलग अलग भागों में मैंने बांटी हुई है। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसमें ब्रीफ किया हुआ है कि कौन सी रचना इनकी श्रृंगारिक है, कौन सी रचना इनकी कृष्ण से संबंधित है, कौन सी इनके उपन्यास है, अलग अलग तरीके से मैंने लिखा है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इनको अलग अलग डिवाइड करने में। साथियों श्रृंगारिक जो रचनाएं रही हैं हरिऔध जी की, वो है रसिक रहस्य, दूसरी है प्रियम्बु वारिधि, तीसरी है प्रेम प्रपंच, चौथी है रस कलश, पांचवी है प्रद्युन प्रद्युम प्रसून, और छठे नंबर पर है चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, फिर है पारिजात, फिर है कल्पलता, फिर है ग्राम गीत, और फिर है अरियोग सत्सई, और फिर है मर्म स्पर्श। तो साथियों ये पूरी की पूरी रचनाएं जो रही है वो इनकी श्रृंगारिक रचनाएं रही हैं। तो आपको इस तरह से रजिस्टर में नोट कर लेना है और बार बार फिर पढ़ना है साथियों, तगड़ी रचनाएं हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। अगली बात करेंगे मित्रों यहाँ पर तीसरे नंबर पर, रामचरित से संबंधित जो रचना थी वो थी वैदेही वनवास। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है वैदेही वनवास कब लिखी गई, 1940 में, और वैदेही वनवास किसकी रचना है, ये रचना जो है हरिऔध जी की रचना है, और कौन सी किससे संबंधित है, रामचरित से संबंधित रचना है। आगे बात करते हैं साथियों, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास इनकी महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं मानी जाती है। कौन कौन सी? प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास, महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं, आपको अच्छी तरह से ये भी ध्यान रख लेना है। मित्रों आगे बात करेंगे यहाँ पर प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास एक प्रबंध काव्य है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो हरिऔध जी का प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, एक प्रबंध काव्य है, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो प्रिय प्रवास है उसमें करुण रस की प्रधानता है। इसमें दिया गया, इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन इसमें लिखा गया है। तो प्रिय प्रवास के अंदर क्या क्या बात है, या प्रिय प्रवास के अंदर कौन सी बातें लिखी गई है, तो वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिए कि प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से लेकर के जो मथुरा प्रस्थान तक का जो वर्णन है वो प्रिय प्रवास में किया गया है, और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसको माना जाता है। आगे बात करते हैं, इसे यह वज्रांगना विलाप नाम से
लिखना चाहते थे। किस नाम से लिखना चाहते थे प्रिय प्रवास को? वज्रांगना विलाप नाम से लिखना चाहते थे हरिओत जी। ये बात भी आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। मित्रों आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इनको इनको अपूर्व साहित्य साधना के कारण कवि सम्राट भी कहा जाता है। अपूर्व साहित्य साधना के कारण इनको क्या कहा गया? कवि सम्राट कहा गया। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग है साथियों। कितने सर्ग है प्रिय प्रवास में? 17 सर्ग है, पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी दिया गया था। ठेठ हिंदी का टाठ उपन्यास की रचना इन्होंने जॉर्ज ग्रेसन के अनुरोध पर करी थी। तो जॉर्ज ग्रेसन के अनुरोध पर जो उपन्यास लिखा था वो था ठेठ हिंदी का टाठ। साथियों अगले जो कवि अगले जो राइटर आते हैं वो है श्रीधर पाठक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ, मृत्यु 1928 में हुई। इनका जन्म स्थान था जोंधरी जिला आगरा उत्तर प्रदेश में ये इनका जन्म हुआ। श्रीधर पाठक के जो प्रमुख रचनाएं हैं इनमें से ही पूछी जाती है साथियों। तो इनको ऐसा का ऐसा है आप लोग लिख लीजिएगा और साथियों जरूर बताइएगा आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं और आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, निश्चित रूप से आपको बताना है। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। साथियों आपका कमेंट जब आता है कि सर बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो हमारे लिए, साथियों मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं वीडियो बनाने के लिए लालायित हो जाता हूँ कि यार ये वीडियो बनाना चाहिए, बच्चों तक वीडियो पहुंचना चाहिए। तो साथियों जो श्रीधर पाठक की प्रमुख रचनाएं प्रबंधात्मक काव्य कौन कौन से हैं? एकांतवासी योगी। अब एकांतवासी योगी 1886 में लिखा गया, इसके अंदर क्या है ये बात जानना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी साहित्य के गोल्ड स्मिथ के द्वारा हर्मिट का हिंदी अनुवाद है साथ में। तो गोल्ड स्मिथ ने हर्मिट लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया। अगला है उज्जड़ ग्राम। साथियों 1889 में यह लिखा गया, अंग्रेजी साहित्य के गोल्ड स्मिथ का ही डेजर्ट विलेज, डेजर्टेड विलेज जो है उसका हिंदी अनुवाद है उज्जड़ ग्राम। साथियों ये भी श्रीधर पाठक ने लिखा। श्रांत पथिक जो है अंग्रेजी साहित्यकार थे गोल्ड स्मिथ, उनका द्वारा रचित ट्रेवलर जो है उसका हिंदी अनुवाद है श्रांत पथिक। इसके बाद में फोर्थ नंबर पर बात आती है ऋतु सहार। ऋतु सहार जो है साथियों जो श्रीधर पाठक ने लिखा है वो संस्कृत के राइटर कवि या कालिदास उनका नाट्य रचना का हिंदी अनुवाद किया है साथियों। ऋतु सहार, ऋतु सहार कालिदास के लिखा गया था संस्कृत में, उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया है। साथियों फिर आता है मौलिक प्रबंधात्मक रचनाएं। श्रीधर पाठक की मौलिक प्रबंधात्मक रचनाएं कौन कौन सी है? जगत सच्चाई सार, फिर है काश्मीर सुषमा और आराध्य शोकांजलि। ये रचना इन्होंने अपने पिता की मृत्यु पर लिखी थी, आराध्य शोकांजलि। इसके बाद में देहरादून, ये भी श्रीधर पाठक की रचना है। भारत गीत और मनोविनोद और वनाष्टक और भारत उत्थान, ये पूरी की पूरी रचनाएं श्रीधर पाठक की रही है। साथियों आप इनसे अपने नोट्स बनाइए और बार बार इनको पढ़िए, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। मित्रों फिर देखिए आगे आगे लिखा है इनके द्वारा, जगत सच्चाई सार सुतरे साइयों के सदुकड़ी ढंग पर लिखा गया है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसको भेद। यह 51 पदों की एक लंबी कविता लिखी गई है जगत सच्चाई सार। साथियों स्वर्ण वीणा में प्रोक सत्ता के रहस्य संकेत मिलते हैं और श्रांत प्रतीक रचना में रोला छंद की प्रधानता देखने को मिलती है। साथियों विशेष तथ्य वाली बात यहाँ पर की गई है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। विशेष तथ्य में खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में लिखा है श्रीधर पाठक। डॉक्टर नगेंद्र ने खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि श्रीधर पाठक को माना है। इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही लिखा है। साथियों श्रीधर पाठक को जो है स्वच्छंदवादी काव्य धारा का प्रवर्तक भी माना जाता है। साथियों श्रीधर पाठक ने जो है मनोविनोद, उजड़ ग्राम और काश्मीर सुषमा आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मित्रों ये बात आपको याद होना चाहिए, मनोविनोद, उजड़ ग्राम और काश्मीर सुषमा इन तीनों रचनाओं में जो है श्रीधर पाठक के द्वारा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। आगे बात करते हैं इनके द्वारा यानी कि श्रीधर पाठक के द्वारा खड़ी बोली आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। हिंदी प्रेमियों में यह प्रकृति के उपासक कवि के नाम से जाने जाते हैं। जो हिंदी प्रेमी कवि हैं उनमें प्रकृति के उपासक कवि के नाम से श्रीधर पाठक को जाना जाता है। मित्रों बहुत तगड़े नोट्स हैं यार, आप जरूर लिखिए और पढ़िए।
गांव में गांव को काव्य वस्तु के रूप में लाने का जो श्रेय है वो भी श्रीधर पाठक को ही दिया जाता है। ये आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। मित्रों अगले राइटर हैं यहाँ पर नाथुराम शर्मा शंकर। कौन है? नाथुराम शर्मा शंकर। इनका जन्म भी 1859 में हुआ था और जिला अलीगढ़ था, यूपी के अंदर। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं गर्भ रंडा रस से, कौन सी रचना थी इनकी? गर्भ रंडा रस से। किसके? नाथुराम शर्मा शंकर की जो प्रमुख रचना थी वो थी गर्भ रंडा रस से। ये एक प्रबंधात्मक काव्य श्रेणी के हास्य व्यंग्य रचना मानी जाती है। इसमें विधवाओं की दुर्दशा और देव मंदिरों में होने वाले दुराचारों पर प्रकाश डाला गया है गर्भ रंडा रस से पर। अगली रचना इनकी है शंकर सर्वस्व, फिर है शंकर सरोज और फिर है अनुराग रत्न। साथियों गर्भ रंडा रस से पर प्रश्न पूछा जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। विशेष तथ्य में इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें आती है। विशेष तथ्य में क्या क्या है देखेगा, हिंदी साहित्य में ये कविता कामिनी कांत और भारतेंदु प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किए गए थे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इनको जो है कविता कामिनी कांत कहा गया, भारतेंदु प्रगेंदु कहा गया और साहित्य सुधाकर भी कहा गया है। साथियों ये बात आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों इनकी रचनाएं प्रारंभ में ब्राह्मण पत्रिका में और बाद में सरस्वती पत्रिका में छपने लगी थी। ये पहले बात पहले ब्राह्मण पत्रिका में छपी, बाद में सरस्वती पत्रिका में छपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं लिखा करते थे। ये क्या कौन सी कविताएं लिखते थे? अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं लिखा करते थे। अगले राइटर आते हैं साथियों राम नरेश त्रिपाठी। जो राम नरेश त्रिपाठी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा, छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे आपको। चलिए साथियों धन्यवाद आप सभी को।